आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं एमपी में एनालिसिस करने जा रहे हैं कि मेडिकल एस्पिरेंट्स को जो एडमिशन है वो कितने मार्क्स पर मिल सकता है और कट ऑफ एक्चुअली में क्या रहने वाली है। लास्ट वीडियोस हमने बिहार और यूपी के लिए किए थे और आप लोगों से पूछा था कि आपको किस स्टेट का एनालिसिस चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट एमपी के लिए आए, तो आज का वीडियो जो है वो एमपी के लिए किया जा रहा है। आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो आपके स्टेट के लिए भी वीडियो आपको निश्चित ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी स्टेट जहां से मैं बिलोंग करता हूं, सबसे जोरदार बात है वहां पर कि गवर्नमेंट की जो विल है वो जबरदस्त है। देखिए, मैं हवाबाजी की कोई बात नहीं कर रहा हूं। 14 सितंबर का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है आप उसको देखें, उसमें आपको दिखेगा कि जो एमपी है ये उसकी कटिंग है। एमपी में 50% सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये नोटिफिकेशन किया गया कि आपको जितना भी अपना 50% सीट्स है वो फिलअप करना है नीट के थ्रू, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप फीस लेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर। हालांकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में चले गए हैं, लेकिन सरकार की जो प्रतिबद्धता दिखाई देती है उससे मुझे लगता है कि निश्चित ही वे अपने इस लक्ष्य में सफल हो जाएंगे और बच्चों के हित में ही गवर्नमेंट और कोर्ट दोनों फैसला देने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है एमपी स्टेट के पर्सपेक्टिव से। दूसरी, कोई भी बात हवाबाजी में ना करते हुए, देखिए एमपी जो है वो उसमें जो कट ऑफ है वो हमेशा से लो ही गया है। लास्ट ईयर का देखते 2021 का अगर हम कट ऑफ देखें तो वो 551 विद प्रूफ है ना। आप ये जितनी भी मैं आपके लिए स्लाइड्स तैयार करता हूं, ये आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सर्च कर सकते हैं @thedmjsir, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी जो थोरो स्टडी है वो लोग कर सकते हैं जिनको कि इस साल काउंसलिंग में हिस्सा लेना है या जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं। पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत उपयोगी है क्योंकि अगर आप इसका एनालिसिस करते हैं तो आप आगे चल के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। काउंसलिंग करना, मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, काउंसलिंग अच्छे से करना भी परीक्षा देने के समान ही जरूरी है। काउंसलिंग अच्छे से नहीं करने पर अच्छा कॉलेज हमारे हाथ से निकल जाता है। तो टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो हमारे पास 2750 सीट्स होती हैं एमपी में, जिसमें कि 13 जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 8 जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इनमें 1600 और 1150 ये बाइफरकेशन है सीट्स का। और मैं हमेशा की तरह आप जानते हैं कि मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की मेडिकल सीट्स की, पर मैं समय खराब नहीं करता कि मैं एक एक गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट है वो आपको बताऊं और एक एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स है वो आपको बताऊं। उसके लिए आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ये मैंने आपके लिए पूरा प्रिपेयर करके यहाँ पर रख लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा से आपको बताता हूँ और वो ये कि क्योंकि अगर ये 50% वाला फैसला हो जाता है तो जो अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पर अगर बच्चे सीट्स को ऑप्ट करते हैं तो डिलिबरेटली जो आपकी कट ऑफ है वो डिक्रीज होने वाली है। तो वो 15 से लेकर 20 मार्क्स तक वो जो है वो कट ऑफ डिक्रीज होगी, ये पक्की बात है। ओके, 2021 में जो एमपी में स्टेट कोटा था उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो हमारे पास पूरा स्टडी है, पूरा एनालिसिस है इसका कि जनरल के लिए कितने मार्क्स कितने रैंक पर कौन सा जो है वो कॉलेज हमको मिला था। ये आप पूरा का पूरा प्लान यहाँ पर, और कैटेगरी वाइज भी है, मतलब जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और हर कॉलेज के लिए हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे बहुत जानकारी ले सकते हो। अब मेन बात ये कि नीट 2022 में एमपी में कट ऑफ कितना जाने वाला है, ये जो है वो मोटा प्रश्न यही है। कितना मजा आ जाए अगर आपको कैटेगरी वाइज भी बताओ अभी से, और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा एनालिसिस, जनरल कैटेगरी में 560। देखिए, मैं जब नीट का पेपर हुआ था ना तब से आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आपके 610 मार्क्स है तो आप चाहे किसी भी स्टेट में हो आपके लिए वो सेफेस्ट स्कोर है। मैं बहुत ही रिसर्च बेस्ड एनालिसिस के आधार पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक है उसके लिए इस चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। लाइक और शेयर आप करते ही हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। देखिए, जनरल के लिए जो है वो 560 और ओबीसी के लिए 550, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 550, एससी के लिए 440 और जो एसटी है उसके लिए 350, ये कट ऑफ रहने वाला है एमपी में। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। फिर अगले वीडियो में आपको किसी और स्टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कमेंट कर आप जो है वो बता सकते हैं कि आपको किस स्टेट के लिए ये एनालिसिस चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।